हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। और आज की रेसिपी है क्या? फ्रूट कस्टर्ड। तो अभी एप्पल कट रहा है जो कि एजाज भाई काट रहे हैं, और बाल बहुत बड़ा हो गया। बाल काट देते आ तो सही था, बहुत बड़े हो गए तो इसको काटना है किसी दिन। एजाज भाई को लगाते हैं काम पे और दिखाते हैं, चलते हैं आज की रेसिपी क्या है। अभी एप्पल काट रहे हैं एजाज भाई, और इधर हमने चढ़ा दिया है दूध, गर्म हो रहा। 2 लीटर दूध है। दूध का डब्बा देखिए, चाय खूब ज़्यादा पिया जा रहा है यहाँ पे क्वारंटाइन में। और 1 कप दूध मैंने निकाल लिया है, इसमें हम कस्टर्ड घोलेंगे, कस्टर्ड पाउडर। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक साफ़ सफाई हो जाए। नहीं सर, इतना सारा सेब है, फिर 2 किलो होगा ना। 2 किलो सेब और 4 केले हैं। नचीज डालेंगे और शक्कर जो है खोलने टाइम पे ही, और शक्कर मीठा जितना करना है अपने हिसाब से, जिसको जितना मीठा खाना है उस हिसाब से वो शक्कर डाल देगा। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कस्टर्ड पाउडर, ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और 4 टेबल स्पून हम लोग लेंगे इसमें। तो इसको अभी हम ठंडे दूध में इसको करना है 1 गिलास में। अगर गर्म दूध करेंगे तो उसमें जो छोटा छोटा वो हो जाएगा, तो उसको अच्छे से मिला लेंगे। तो दूध बिल्कुल गर्म हो चुका है, एकदम खोल चुका है। अब इसको हम लोग इसमें मिलाएंगे। और चलाते रहेंगे, इकट्ठा ना हो, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। और चलाते रहेंगे इसको, और जिसके पास इलायची पाउडर हो तो थोड़ा सा इलायची पाउडर इसे मिक्स कर दें, और पकने दें धीरे धीरे, इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और जो लोग ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और अच्छा बनेगा। अब इसको खोलने देते हैं करीब 5-10 मिनट तक। 10 मिनट खोलने के बाद देख सकते हैं आप, ये गाढ़ा सा हो गया। इसको अब हम लोग उतार देंगे और आगे देखो। अब ये हो चुका है, अब इसको हम लोग उठाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक बर्तन है, अब इसमें हम लोग पलट देंगे संभाल के। उसके बाद पहले सेब, और केला दोनों डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको उठा के हम लोग फ्रिज में डाल देंगे। ऊपर वाले में डालो, बर्फ जमा हुआ जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इसको कस्टर्ड को छोड़ दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगेगा, गर्म तो अच्छा लगता नहीं है। बाकी आपको दिखाते हैं, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कस्टर्ड खाने का, बहुत दूर से आए हुए हैं, बगल में रहते हैं और आकिब भाई भी तैयार हैं, तो ठंडा हो जाए उसके बाद खाते हैं। तो कस्टर्ड ठंडा हो गया और आकिब भाई बताएंगे कैसा बना है। बताइए आकिब भाई। बहुत टेस्टी है, जबरदस्ती, बहुत टेस्टी बनाया मामा सही में। तो अभी डिनर बनने लगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे, और तब तक फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी दिन और। और आज अभी बन रहा है मटन बिरयानी, तो उसके लिए तैयार हो रहा है अभी सारी चीज़ें। चलिए फिर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।